नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएन न्यूज़ दिल्ली एनसीआर और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। ये तस्वीरें किराड़ी विधानसभा इलाके की हैं, जहां हर म्यूनिसिपल वार्ड के सरकारी स्कूल में लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। एक महीने तक लोगों को प्रति व्यक्ति 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल दिल्ली सरकार के राशन योजना के तहत मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना की खासियत यह है कि राशन लेने के लिए राशन कार्ड धारी होना जरूरी नहीं है। यहाँ बिना कार्ड वाले भी राशन ले सकते हैं, बस आपके पास मोबाइल यूजर आधार कार्ड होना चाहिए। मोबाइल नंबर इसलिए चाहिए क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए OTP की जरूरत पड़ेगी, जो मोबाइल पर आएगा। स्थानीय विधायक ऋतुराज झा ने बताया कि किराड़ी के 5 म्यूनिसिपल वार्ड के सरकारी स्कूल में लोगों को राशन योजना के अंतर्गत 2 महीनों का राशन दिया जा रहा है। आज से सभी स्कूलों के अंदर में किराड़ी क्षेत्र के 5 म्यूनिसिपल वार्ड है, 5ों म्यूनिसिपल वार्ड में एक एक स्कूल में नॉन PDS का राशन मिल रहा है। यानी कि जिसका नाम राशन कार्ड में नहीं है, कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति यहां पर आधार कार्ड लेकर के और अपना मोबाइल लेकर के आ सकता है और अपने म्यूनिसिपल वार्ड के प्राइमरी स्कूल में जा कर के राशन ले सकता है। मोबाइल नंबर इसलिए क्योंकि उस पर OTP आता है और आधार कार्ड से राशन रजिस्ट्रेशन यहीं पर हो जाएगा और यहीं से राशन मिल जाएगा परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल। तो आप सबसे निवेदन है, यहां पर भी भीड़ ना करें। अगले 1 महीने तक ये राशन बंटेगा, 2 महीने का राशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो भीड़ ना करते हुए, कोरोना नियमों का पालन करते हुए, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और आकर के सभी जरूरतमंद लोग अपने स्कूल से राशन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ताज़ा अपडेट के लिए आप देखते रहें NN News दिल्ली NCR।